हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू वाईफाई स्टडी जे पार्ट ऑफ अनअकैडमी। और मॉर्निंग मंत्रा के इस सेशन के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ विटामिन के बारे में, विटामिन ए और डी के बारे में बता चुका हूँ, और आज मैं बताऊंगा आपको विटामिन के और विटामिन के बारे में। उससे पहले मैं बता दूं कि संडे को सॉरी 5 सितंबर को 5 बजे शाम को एक सरप्राइज पूरी जेई टीम के साथ हम लोग लेके आने वाले हैं यूट्यूब क्लासेस को लेकर, क्योंकि आपकी एग्जाम एकदम आपके सर पे है, तो ये सरप्राइज देखना नहीं भूलना है, दोस्तों को बता देना है। और आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा विटामिन के बारे में। विटामिन के जो है वो आपका फैट सोल्युबल विटामिन होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड की क्लोटिंग में, बोन के मेटाबॉलिज्म के अंदर, एंड रेगुलेटिंग ब्लड कैल्शियम लेवल। ब्लड के अंदर जो कैल्शियम लेवल होता है उसको भी रेगुलेट करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो डेफिशिएंसी होने से तो ये कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है, जैसे कि ये क्या करेगा, ब्लड की क्लोटिंग बढ़ा देता है। क्लोटिंग बढ़ने की वजह से क्या होता है, वो हार्ट को वीक कर देता है और हार्ट के अंदर दिक्कत आ जाती है। तो इसीलिए जो है इसकी वजह से क्या होता है, के डिपेंडेंट कोगुलेशन फैक्टर कॉजिंग डिफेक्टिव कोगुलेशन एंड पोटेंशियली ब्लीडिंग भी होने लग जाती है, उसकी क्लोटिंग नहीं हो पाती है। विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से हेमोरेजिक डिजीज भी आपकी जो है न्यूबॉर्न्स के अंदर आपकी हो जाती है, ये इसके अंदर दिक्कत रहती है। कहाँ पाई जाती है, तो आप देखेंगे हरी सब्जियाँ जो होती हैं, ब्रोकली हो, गोभी हो, या फिर पत्तेदार पालक हो, इन सब के अंदर ये पाई जाती है। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, समझ में आई होगी, तो विटामिन के सप्लीमेंट्स आज ही लेना शुरू कर दीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।